हाय गाइस, दिस इज विनय पांडे एंड लेट अस डिस्कस जेईई एडवांस 2021 पेपर वन केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज, आई मीन दे हैव गिवन दिस डी ग्लूकोज, राइट? डी ग्लूकोज, और उन्होंने उसकी रिएक्शन करवाई है नाइट्रिक एसिड से, और एक प्रोडक्ट बना है पी, जिसको उन्होंने कहा है कि ये जो पी है इसका अल्फा है +52.7 डिग्री। दैट मीन्स इट्स स्पेसिफिक रोटेशन इज +52.7 डिग्री। तो आप देखें, अगर एच एन ओ थ्री से करोगे तो ये है 1, 2, 3, 4, राइट? तो एच एन ओ थ्री कन्वर्ट्स दिस डी ग्लूकोज इंटू साइक्लिक एसिड, या राइट लेफ्ट राइट राइट। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और इन्होंने इसका अल्फा भी दे रखा है। नाउ दे आर आस्किंग दिस इज सैक्रिक एसिड ना। अब ये कह रहे हैं कि आप जो है बताएं द कंपाउंड कंपाउंड और कंपाउंड्स विच ऑन रिएक्शन विद एच एन ओ थ्री विल गिव द प्रोडक्ट हैविंग डिग्री ऑफ रोटेशन -52.7 डिग्री। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड्स बताएं जिनका जिनको हम इसी तरीके से एच एन ओ थ्री से ट्रीट करें तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्यू मान लेते हैं उसको, तो उसका अल्फा -52.7 डिग्री होना चाहिए, यानी कि इसकी मिरर इमेज होनी चाहिए। मान लें नया प्रोडक्ट क्यू है तो क्यू मस्ट बी मिरर इमेज ऑफ पी, ठीक है ना? यही होना चाहिए ना पी। और मिरर इमेज ऑफ पी के लिए क्या करना है, देखो फर्स्ट और लास्ट कार्बन में तो कोई चेंज होना नहीं है, मिरर इमेज तो यहीं बनेगी ना, यहीं पर बनेगी ना। इसका मतलब आपने लेना है एल ग्लूकोज। तो एल ग्लूकोज कौन कौन सा हो सकता है? एल ग्लूकोज क्या होता है भाई? एल ग्लूकोज अगर होगा तो उसको एच एन ओ थ्री से ट्रीट करने के बाद जो एसिड मिलेगा नए कार्बोक्सिलिक एसिड, वो इस पी का मिरर इमेज होगा, ठीक है ना? और पी की क्योंकि अल्फा की वैल्यू है +52.7 डिग्री, तो वो क्योंकि मिरर इमेज है एनांशियोमर है, तो उसकी वैल्यू होगी -52.7 डिग्री। दैट्स वेरी सिंपल। तो फिर जरा एल ग्लूकोज लिख लो जो कि इस डी ग्लूकोज का मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि आपने देखा कि ये जो है 1, 2, 3, 4। देखो डी ग्लूकोज कैसे होता है, ओ एच के डायरेक्शन होते हैं राइट लेफ्ट राइट राइट। तो यहां पर कैसे होगी, यहां पर होगी लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? और ये मल्टी आंसर वाला क्वेश्चन है, तो एक आंसर इसका हो चुका है, ये तो नहीं है, ये सी सी इज वन आंसर, यू सी दिस इज एल ग्लूकोज। और डी को इन्होंने, आप अगर गौर से देखें तो डी को इन्होंने बस सी में ऐसे अपसाइड डाउन ऐसे रोटेट करने से डी बना दिया। तो एक्चुअली सी एंड डी आर आइडेंटिकल, देख रहे हो? अगर आप इसको अपसाइड डाउन और डाउन साइड अप ऐसे रोटेट कर दें, इस मॉलिक्यूल को, फिशर प्रोशन फार्मूला है ना, इसको पूरा ऐसे ऐसे उल्टा कर दें अगर आप 180, तो क्या बन जाएगा बताओ? तो क्या बन जाएगा बताओ? सी एच टू ओ एच और सी एच ओ यहाँ आ जाएगा, 1, 2, 3, 4। अब ये हो जाएगा, ये ओ एच दोनों यहाँ आके राइट और राइट हो जाएंगे, ठीक है ना? और ये ओ एच जो राइट में है वो यहाँ आके लेफ्ट हो जाएगा, और जो यहाँ लेफ्ट में है वो आके राइट हो जाएगा, देख रहे हैं? सो बोथ दी स्ट्रक्चर सी एंड डी आर एक्चुअली आइडेंटिकल, ठीक है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, आंसर टू द क्वेश्चन इज सी एंड डी। ऑप्शन सी में बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऑप्शन सी में बिल्कुल ये वाली स्ट्रक्चर दी हुई है, और ऑप्शन डी में इसी को 180 डिग्री अपसाइड डाउन कर दें तो जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो मिली, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।